दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शादीशुदा औरतों की तरफ से अगर आप आकर्षित हो गए हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शादी के बाद लड़कियों के चेहरे पर काफ़ी निखार आ जाता है, जिसके कारण ज़्यादातर लड़के कुंवारी लड़कियों के बजाय शादीशुदा औरतों को पसंद करते हैं और उनकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। जब किसी औरत की शादी हो जाती है तो आंतरिक संबंधों के कारण लड़कियों का शरीर और खूबसूरती निखरने लगती है, जिस कारण से लड़के उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। किसी शादीशुदा औरत को पटाने से पहले या उनसे रिश्ता बनाने से पहले आपको कुछ बातों के बारे में सोचना चाहिए। जब कोई कुंवारा लड़का किसी शादीशुदा औरत की तरफ आकर्षित हो जाए तो उसे अपने कदम उस रिश्ते की तरफ बढ़ाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसे रिश्तों का कोई भविष्य नहीं होता। तो आगे हम बात करने वाले हैं आंतरिक संबंध की। एक बार अगर कोई लड़का शादीशुदा औरत के प्यार में पड़ जाता है तो उसके लिए वापस निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लड़की अगर शादीशुदा हो तो उसे सब लड़कों को अपने काबू में करना बहुत अच्छे से आता है। लड़के को कभी भी आंतरिक संबंध की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लड़की कभी ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि वह जानती है ऐसा करने से आगे जाकर मुश्किल बढ़ सकती है। दूसरी बात, दिल से ना करें प्यार। अक्सर थोड़ा टाइम बिताने के बाद लड़के लड़कियों की तरफ आकर्षित होने लगते हैं, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लड़की शादीशुदा है या कुंवारी। लेकिन इस रिश्ते में कभी भी दिल से प्यार ना करें, क्योंकि आगे जाकर किसी शादीशुदा लड़की के लिए यह बहुत मुश्किल हो जाता है कि वह किसी और से शादी कर ले, और हो सकता है कि उस लड़की की शादीशुदा ज़िंदगी भी ख़त्म यानी ख़राब हो जाए। जो तीसरी बात है, वह साथ निभाने की उम्मीद। किसी भी शादीशुदा महिला के साथ रिश्ता बनाने से पहले अपने मन को नियंत्रित में रखें, और उससे यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वह अपने घर अपने पति को छोड़कर आपके पास आ जाएगी, क्योंकि शादीशुदा औरतें कितना भी आपके साथ टाइम शेयर कर ले, सब दिन अपने पति की ही रहेंगी, और वह अपनी ज़िंदगी से कभी भी आपको निकाल सकती है।